दोनों को ऐसे खींच रहा हूं इस तरह से, दो तार दोनों तरफ, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर मेरा लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाता है, अगर मैं एक फोर्स इस तरफ लगाऊंगा एक फोर्स इस तरफ लगाऊंगा, तो देखो क्या हुआ, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया इसने, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड द कपल, इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कपल फोर्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो कपल फोर्स का जो हमारे पास कंसेप्ट आता है, कहां पे हम इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमारे डेली लाइफ में इसको बड़ा ज्यादा एनवायरमेंट होता है। कैसे, अगर हमें किसी बोतल की लीड को ओपन करना है, ठीक है, ये मेरे पास बोतल का ढक्कन है, ठीक है, इसकी लीड को ओपन करना है अगर मेरे को, तो ऑब्वियसली बात है आई विल अप्लाई द फोर्स लाइक दिस, ठीक है। मैं यहां से जब इसको यहां से इस तरह घुमाऊंगा इस बोतल को, ठीक है। उसी तरह से अगर हम टैप की बात करते हैं, ये हमारे पास टैप, ठीक है, तो टैप में भी क्या होता है, हमारे पास एक जॉइंट लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जॉइंट का काम क्या होता है, इस तरीके से जॉइंट लगा होता है, इसको भी हम कुछ यहाँ से इस तरह से रोटेट करवाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको इस तरीके से पकड़ा, इस तरीके से दो फिंगर्स का यूज किया, सेंटर पॉइंट इसका यहाँ पर है, लेकिन एक फोर्स में इस तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी फोर्स में इस तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, तो दैट विल प्रोड्यूसिंग द रोटेशन इफेक्ट, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड एज द कपल फोर्स, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कपल फोर्स बोला जाता है। क्लियर होगी बात सभी को ये कपल के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, टू इक्विलेटरल अपोजिट फोर्सेस एंड द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, इक्विलेटरल अपोजिट हो बट दोनों का लाइन ऑफ एक्शन वो डिफरेंट होगा, विच प्रोड्यूसेस द रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द कपल।